रिसेंटली so मेरे दो तीन दोस्तों को टीवी खरीदना था अभी जो सेल्स आए थे उसमें टीवी मार्केट में, में भी डी आर डॉल मिल रहा है एटी में भी मिल रहा है डेढ़ दो लाख में भी वो चीज मिल रही है तो डिफरेंस है कौन सा टीवी पिक करना चाहिए गिवन उनका बजट तो मैंने सोचा आप सबके लिए एक मस्त टीवी बाइंग गाइड बना देता हूँ मैं कुछ स्टेप्स बताऊंगा ये वीडियो में अगर आप ये फॉलो करते हो तो आई थिंक

टीवी की पैनल काफी ज्यादा सुपीरियर है टीवी भी की पैनल उतनी अच्छी नहीं है बट टीवी ये एंड्रॉयड नाइन के साथ आता है या तो वेब ओ या फिर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है एंड टीवी भी लेटेस्ट एंड्रॉयड के साथ आता है आप कौन सा पिक करोगे आई वुड से आपको टीवी ए के साथ जाना चाहिए बिकॉज टीवी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज उसकी डिस्प्ले पैनल होती है एंड सॉफ्टवेयर का तो क्या है टीवी भी आज आप लोगों वो लेटेस्ट एंड्रॉइड पे है बट दो तीन साल के बाद उसको भी अपडेट नहीं मिलने वाली है तो दो तीन साल के बाद कोई नया ऐप आएगा तो वो शायद आपको इस पर भी नहीं मिलेगा एंड टी वी है कि पैनल ज्यादा अच्छी है अज्यूमिंग लोग आठ दस साल के लिए टीवी रखते हैं तो पैनल ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ऐप्स का तो क्या है अज्यूमिंग दोनों टीवी पे आज के सारे ऐप्स आपको मिल रहे हैं तो आप कोई भी ले सकते हो बिकॉज कलूट के अगर आपको लग रहा है कि सॉफ्टवेयर सपोर्ट और ये सब उतना नहीं है आप क्रोमकास्ट फायर टीवी स्टिक गूगल टीवी स्टिक कुछ भी डाल सकते हो फॉर ऑल ऑफ द लेटेस्ट ऐप्स ऐप्स आपको मिल जाएंगे बाद में बट जो क्वालिटी है पैनल की वो आपको बाद में नहीं मिलेगी

छोटे छोटे होती है जो लाइट देती है ये पैनल को इसलिए ये लोग इसे एलईडी टीवी बुलाते हैं एंड क्यू एलई टीवी की अगर हम बात करें तो ये जो दो लेयर है एलईडी का और एलसीडी का उसके बीच में एक डॉट का लेयर होता है जिससे ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी इंप्रूव होती है तो पिक्चर क्वालिटी वाइज ओलेट सबसे बेस्ट है फिर क्यूलेट आता है फिर एलईडी टीवीज आते हैं बस यहाँ पे एच डी आर कॉन्टेंट के लिए सारे टीवीज अलग अलग टाइप के मेथड यूज करते हैं कोई एजलेट होते हैं कोई डायरेक्ट लेट होते हैं किसी में फुल एरे लोकल डिमिंग होता है तो काफी सारी अलग अलग टेक्नोलॉजीज है आइडियली फुल एरे लोकल डिमिंग बेस्ट होता है

करने वाले हो तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बट फ्यूचर में अगर आप डॉल्बी एटमोस वाला साउंड बार या कुछ ऐड करते हो तो डॉल्बी एटमोस वाला फीचर काम में आ सकता है जैसे कि मेरे टीवी में डॉल्बी एटमोस है तो उसकी वजह से मुझे सारे ऐप्स में एटमोस मिलता है एंड अभी हमने साउंड की बात छेड़ी दी है तो डोंट अंडर एस्टिमेट द स्पीकर अब लेटली क्या हो रहा है कि सारी जो हमारी टीवी की पैनल है वो पतली होती जा रही है बहुत स्लिम होती जा रही है तो आप उसमें बड़े हाई क्वालिटी के स्पीकर फिट नहीं कर सकते कुछ टीवी आते हैं साउंड बार के साथ तो उसमें आपको बेटर साउंड क्वालिटी मिलती है बट अगर आप टीवी ले रहे हो तो आई फील आपको थोड़ा सा बजट साइड में साउंड बार के लिए रखना ही चाहिए बेसिक अगर आप एक साउंड बार भी ले लोगे सब वूफर के साथ कुछ दस बारह पंद्रह हज़ार के आसपास आ सकते हैं या फिर उससे कम में भी आ सकते हैं तो भी आपका ओवरऑल जो एक्सपीरियंस मूवीज देखने का वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा Ricardo, एंड नेक्स्ट टिप काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप ऑफलाइन टीवी खरीदने जा रहे हो तो मैं कहूंगा कि यार प्लीज एक पेन ड्राइव में आपके पास कोई एच डी आर वीडियो होंगे आपको आइडिया आएगा कि क्वालिटी कैसी है। यहाँ पे मेजरली टीवी जब आप टेस्ट करते हो ना तो ब्राइट सीन्स में तो सब मस्त लगते हैं एक्चुअल डिफरेंस आपको डार्क सीन्स में पता चलेगा डार्क सीन्स वाले एच डी आर कॉन्टेंट या फिर यूट्यूब का कोई वीडियो प्ले करके देखो ताकि आपको आइडिया आएगा कि ओवरऑल क्वालिटी कैसी है बिकॉज डार्क सीन्स में ज्यादा आपको

उनकी अलग से एक्सटेंडेड वारंटी भी देते हैं बट आप मैन्युफैक्चरर से जितनी ज्यादा वारंटी ले सकते हो ले लो ऐसा मैंने ऑनलाइन देखा है कुछ टीवीज एमेजॉन पे फ्लिपकार्टे एक, एक साल की वारंटी देते हैं बट वही अगर आप ऑफलाइन स्टोर में जाके लोगे रिलायंस डिजिटल से लोगे तो वहां पे आपको तीन साल की वारंटी मिलती है मैंने जब मेरा टीसीएल का टीवी खरीदा था तब भी ऐसा हुआ था एमेजॉन से लेने वाला था मैं रिलायंस से जाके लिया बिकॉज वहां पर तीन साल की वारंटी मिल रही थी और ये रिलायंस से कुछ स्पॉन्सर्ड वॉन्सर्ड नहीं है आई एम जस्ट से रिलायंस है या फिर विजय सेल्स है टाटा क्लिक है जो भी है वारंटी का सीन आप देख लेना जब मैंने हाई का भी मेरा टीवी लिया था सेम थिंग आई बॉट इट फ्रॉम रिलायंस अगेन बिकॉज वहां पर तीन साल की वारंटी थी फ्लिपकार्ट थोड़ा सस्ता था चार पांच हजार रुपए बट एक साल की वारंटी थी नॉट विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन वारंटी बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो अगर आप गेमर हो तो ट्राई करो एच डीएमआई टू पॉइंट वन वाला ले सको बजट में तो ये ऑप्शन मिलते नहीं है बट इफ ये हाई एंड टीवी एक लाख के ऊपर तो मेक श्योर sure करो कि आपके पास एच डीएमआई टू पॉइंट वन के पोर्ट्स है उसके अलावा पैनल वन ट्वेंटी बिकॉज

इससे बेटर ऑप्शन नहीं है अगर आपको टीवी रिव्यूज देखने हैं चैनल पे कर सकता है तो मेरे टीवी का रिव्यू तो जल्दी आएगा अभी के लिए इतना ही वीडियो अच्छा लगा लाइक करो अगर आपको हेल्पफुल लगा ये तो प्लीज प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करो जो टीवी खरीद रहे नहीं अच्छा लगा वीडियो दो बार डिसलाइक कर लेना स्टे सेफ और मैं जल्दी आपके नोटिफिकेशन वापस आऊंगा बाय बाय